आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिहार इन्फो YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जो आप सभी डिग्री के लिए मैसेज कर रहे थे। बहुत सारे छात्र मैसेज कर रहे थे जिनका मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। प्राइवेट कॉलेज के जितने भी छात्र थे उनका भी मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। 15 वाले सेशन, 16 वाले सेशन और 17 वाले सेशन, इसके बाद 18 वाले भी सेशन, जितने भी छात्र हैं मूल डिग्री आपका नहीं मिल रहा था। तो विश्वविद्यालय आरा ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है जिसके लिए लड़ाई भी चल रहा था। साथ ही हम लोग बात करेंगे जो सत्र 22 से 25 है उसका रिजल्ट कब आएगा। विश्वविद्यालय आरा स्नातक पार्ट वन सत्र 2022 से 2025 का जो रिजल्ट है पार्ट वन का जारी कब करेगा, तमाम जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो मूल डिग्री है इसका हम अपडेट कैसे आपको करा देते हैं। पहले कि ये जो अपडेट है मूल डिग्री का, ये आपको लेना कैसे है। सबसे पहले मूल डिग्री जो होता है सभी के लिए है, मूल डिग्री क्या होता है, इसके बाद जो मूल डिग्री का यूज होता है कहाँ पे होता है, माइग्रेशन क्या होता है, ये तमाम जानकारी वीडियो बना है, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मूल डिग्री के बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं मूल डिग्री, स्नातक पार्ट थ्री पास करने के बाद 15 सेशन, 16 सेशन, 17 सेशन, इसके बाद 18 वाले सेशन का भी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 साल के बाद जो मिलता है बहुत सारे छात्र सनद बोलते हैं जिसको, वैसे ही मैट्रिक में भी होता है, इंटर में भी होता है, बीए में भी होता है। तो वैसे ही 15, 16, 17 वाले सेशन का नहीं मिल रहा था प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को, अब मिलने लगा है। छात्र छात्र अपना प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। तो आपके लिए क्या है कि 500 का चलान आपको ले लेना है। 500 का चलान वेबसाइट पर कटेगा, कहाँ कटेगा ये आपको हम बता देते हैं। इसके बाद अब आपको करना क्या है कि तमाम डॉक्यूमेंट, पार्ट 1, 2, 3 का एडमिट कार्ड, पार्ट 1, 2, 3 का मार्कशीट, एक एप्लीकेशन कॉलेज से लिखवाकर उस पर सिग्नेचर मुहर कराकर, और ये 500 का चलान लेकर आपको पुराना यूनिवर्सिटी चले जाना है। पुराना यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ये 500 का चलान आप कटवाएंगे तो कोई आपको एप्लीकेशन स्लिप नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा कि एक मेल पर आएगा मैसेज, वो मेल का मैसेज आपको क्या कराना है, प्रिंट करा लेना है। तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आपको पंजीयन शाखा में चले जाना है पुराना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पंजीयन विभाग में जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है। वेरिफिकेशन कराने के बाद अब आपको फिर चले आना है 0 माइल नया यूनिवर्सिटी और वहाँ पे काउंटर पे जमा कर देना है। 20 दिन बाद जाकर अपना मूल डिग्री अपन ना जो है वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो पार्ट वन का रिजल्ट है। बहुत सारे छात्र जो मैसेज कर रहे थे 2022 से 25 का पार्ट वन का रिजल्ट, तो ये रिजल्ट महज 20 दिनों के अंदर जारी होने वाला है। 20 से 25 दिन के अंदर ये आप लोग का पार्ट वन का रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद विश्वविद्यालय आप लोग का पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाएगा, तब आपका पार्ट टू का एग्जाम होगा। तो महज की 20 या 25 दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है। विश्वविद्यालय आरा की तरफ से नोटिस आ गया है। इसके बाद जो जानकारी होगा आपको वीडियो बनाकर बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।